कैसे हो सकता है? रेवती चाची, शिवराज, वो रेवती चाची थी जिन्होंने करीब 3 साल पहले मुझसे कहा था कि मुझे ऐसे अपनी माँ और बहन की समाधि पर जाकर कपड़े चढ़ाने चाहिए, गरीबों के काम आ जाएंगे। तब से मैं हर साल ऐसा करता हूँ, लेकिन आज सुबह मैं भूल गया और इन्होंने मुझे याद करवाया। मैं फौरन कपड़ों की दुकान पर गया, कपड़े खरीदे और समाधि पर चढ़ा कर आया। ये सुबह की रिकॉर्डिंग है, मतलब जब इन्होंने तुम्हें समाधि के पास भेजा तब ये खुद कमरे में आई और किताब में ये फोटोग्राफ रख दी। युवराज, लेकिन ये फोटो असली नहीं है। हो सकता है इन्होंने इन दोनों के साथ मेरी फोटो जोड़ के ऐसे, लेकिन ये मेरी नकली फोटो क्यों यहाँ रखेंगे? रेवती चाची कहाँ गई? अभी तो यही थी। काशीनाथ जी कहाँ गई? क्षमा करे बड़े व्रत, मुझे भी नहीं पता चला वो यहाँ से कब चली गई। ढूंढो उन्हें और मेरे सामने लेकर आओ। जी। सब ठीक है, एक बार के लिए लगा था शायद हम पकड़े जाएंगे, लेकिन अब सब ठीक है। अपने कमरे में मिली है। और जय कहाँ है? जय तो कभी कमरे से बाहर नहीं निकलता, कहाँ गया? प्लीज, कपड़े भी नहीं है, लगता है चाची और जय दोनों भाग गए। जवाब क्यों नहीं दे रही? इधर जा रहे हम लोग। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है माँ? कि कौन सी जगह हम किधर जा रहे हैं माँ? भूलिए ना, आज तक आपने हमें राजमहल से बाहर नहीं निकलने दिया, पर आज ऐसे आप हमें किधर लेके जा रही है? बोलो ना माँ, किधर जा रहे हैं? माँ, आप रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? वीर को अपने तरीके से पता चला कि जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे अक्षय है, और मुझे अपने तरीके से, मतलब आपके संकेत की वजह से पता चला कि इन सब के पीछे अक्षय है। चलो वीर का शक गलत हो सकता है, लेकिन आपके संकेत, अगर अक्षय इन सब के पीछे नहीं है तो फिर आप मुझे गलत संकेत क्यों देंगे? भगवान आपको गलत संकेत नहीं दे रहे युवरानी, आप उन्हें गलत देख रहे हैं। क्या क्या मतलब? आप यहाँ? आपके और भगवान की बातें सुनने के लिए क्षमा युवरानी, लेकिन शायद आप वो देख रही हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप वो नहीं देख पा रही हैं जो भगवान आपको दिखाना चाहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से उन संकेतों के बारे में सोचिए, आपको सही रास्ता दिख जाएगा।
भगवान आखिर यहाँ पर मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे? कहीं भगवान का संकेत उस दाढ़ी वाले अंकल की तरफ तो नहीं था? और मैंने गलती से अक्षय के लिए समझ लिया हो। वो दाढ़ी वाले अंकल अगर यहाँ आए थे तो यहीं आसपास शायद किसी को पता होगा उनके बारे में। भैया, आपने किसी दाढ़ी वाले अंकल को देखा है? आज सुबह ही वो यहाँ पर आए थे। अरे मैडम, यहाँ बिना दाढ़ी वाले बिना बाल वाले सब आते हैं। हम किस किस को याद रखेंगे? हाँ, मैं पिछले 10 दिन से तुझे कॉल कर रहा हूँ। भाड़े पे किताब ले गया था और 1 महीना हो गया, पैसे भी नहीं आए। मैडम जरा अखबार में देखकर आज की डेट बताएंगे? जा। 27 जनवरी। 27 जनवरी अभी तक बुक लौटी नहीं है क्या? तुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही तुझे मेरी? ऐसे कैसे ढूंढेगी आर्ची तू उसे? प्लीज भगवान मदद कीजिए। ये तो वही निशान है जो मैंने सपने में देखा था, चार स्वास्तिक और बीच में ओम। इसमें लिखा है अपना भविष्य जाने। इश्तेहार है रमेश शर्मा और पता भी लिखा हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं इस पते पर जाके पता लगाती हूँ। लेकिन ये रमेश शर्मा कौन है? कहीं वो दाढ़ी वाले अंकल तो नहीं? हाँ युवराज, मेरे और रेहति के बीच में संबंध अनुचित संबंध है। और जय जय मेरा और रेहति का बेटा है, आपके चाचा का नहीं। युवराज, आपके चाचा बहुत ही निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा ही आपके रेहति चाची पर अत्याचार किया। ऐसे में कभी उन्हें अपने पति से प्यार नहीं हुआ। युवराज, आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ युवराज, ये बात हम आपसे बहुत पहले ही बताना चाह रहे थे, पर डरते थे कि कहीं इस राज परिवार के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। पर अब युवराज, अगर आपको सब कुछ नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे और रेवती के इस राज का पता किसी तीसरे को लग गया। 3 साल युवराज, 3 साल से वो ब्लैकमेलर रेवती को ब्लैकमेल कर रहा है और अपने सारे काम रेवती के द्वारा करवा के ले रहा है। और उसी ब्लैकमेलर के कहने पर रेवती ने अक्षय से समाधि के ऊपर कपड़े रखवाए थे। और उसी ब्लैकमेलर के कहने पर आज रेवती ने अक्षय के कमरे में वो नकली तस्वीर रखी थी। युवराज, हम नहीं जानते कि वो ब्लैकमेलर कौन है, पर युवराज हमारा यकीन कीजिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो रेवती नहीं है। क्योंकि रेवती ने आज तक किसी को ना मारा है और ना ही किसी को चोट पहुंचाई है। युवराज, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। हमें माफ कीजिए युवराज। एक और शब्द मत कहना।